एक आदमी के नेबर में न्यू कपल रहने के लिए आते हैं। वो आदमी रियलाइज करता है कि इनमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब आई जब वो नेबर की वाइफ से अब्सेस्ड हो गया, इससे सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द नेबर 2017 की एक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर माइक को देखते हैं। माइक घर में ही एज अ फ्रीलांसर का काम करता है, उसकी वाइफ एज अ टीचर जॉब करती है। उसने एक दिन खिड़की से देखा कि उसके पास के हाउस में कुछ नए नेबर्स आए हुए हैं। ये एक कपल था जिसमें वाइफ का नाम है जेना और हस्बैंड का नाम है स्कॉट। वो इन्हें वेलकम करने के लिए गया। स्कॉट उससे बात करता है। स्कॉट के पास एक रेसिंग कार थी जो माइक को बहुत अच्छी लगी। स्कॉट कहता है, मैं तुम्हें भी दिलवा सकता हूँ। एक्चुअल में स्कॉट एक सेल्समैन है तो उसका यही काम होता है। माइक स्कॉट की वाइफ जेना से भी मिला। माइक के यहाँ संडे को बारबेक्यू होने वाला था तो कहता है तुम दोनों आ सकते हो, उन्हें इन दोनों को जानने का और भी चांस मिलेगा। रात में जब उसकी वाइफ घर पर आई तो अपने नेबर्स के बारे में उसे बताता है। कहता है कि मैंने उन्हें बारबेक्यू के लिए इनवाइट किया है। वाइफ कहती है, तुम्हें मुझे पूछना चाहिए था, मैंने उस बारबेक्यू में सिर्फ फ्रेंड्स को बुलाया था। यह हम क्लियरली देख सकते हैं कि आजकल इन दोनों हस्बैंड और वाइफ में उतनी ज्यादा कनेक्शन नहीं है। वाइफ का नाम होता है लीसा। लीसा एक टीचर है जो अपने जॉब से आजकल बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहती है। इसके बाद हम डायरेक्टली संडे पर बारबेक्यू देखते हैं। यहाँ पर भी स्कॉट माइक के फ्रेंड को कार सेल करने की कोशिश कर रहा था। माइक बारबेक्यू कर रहा था तो जेना उसके पास आए। ये दोनों बातें करने लग गए। माइक उससे पूछता है, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ? जेना कहती कि 4 महीने, पर हम बहुत सालों से एक साथ थे। जेना ने नोटिस किया था कि माइक का गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसके न्यू हाउस में भी बहुत सारी जगह है तो वो भी उसे डेवलप करना चाहती थी। माइक से पूछती है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? माइक कहता है कि ऑफकोर्स कर सकता हूँ। यह इस बारबेक्यू में स्कॉट जेना को सही से ट्रीट नहीं करता, अपना सारा खाना उसी को लाने के लिए कहता है, उस पर जोर जोर से चिल्लाता है। ये माइक को अच्छा नहीं लगा। रात में लीसा और माइक ये स्कॉट के बारे में बात कर रहे थे। लीसा कहती है, स्कॉट बहुत ही फनी है। माइक ने कहा कि वो फनी नहीं है, सिर्फ अजीब से किस्से सुनाता है। वो क्लियरली स्कॉट को पसंद नहीं करता था। रात में माइक खिड़की के पास काम कर रहा था तो वो अपनी खिड़की से जेना और स्कॉट का रूम देख सकता है। वो देखता है कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वो फिर लीसा के पास अपने बेड में आ गया। उसके साथ वो इंटीमेट होना चाहता था पर लीसा कहती कि कल मैं बहुत बिजी हूँ, उसे मना कर देती है। अगले दिन अपने गार्डन को जेना देख रही थी तो माइक बाहर आ गया। उसे अब टेंशन आ रहा था कि इसकी गार्डनिंग वो किस तरीके से करेगी। माइक उसे कहता है, तुम स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। उसने आकर उसे बहुत सारी टिप्स वगैरह दी। जेना ने माइक के घर में उसके बेटे की फोटोज देखे थे तो पूछती कि वो कहाँ है। माइक कहता है कि वो तुम्हारी एज का है और अब वो मूव आउट हो चुका है। जेना आजकल सोच रही थी कि क्या उसे बच्चे होने देने चाहिए या नहीं। एक्चुअल में स्कॉट को बच्चे चाहिए पर जेना सोचती है कि उसे अपना करियर करना चाहिए। अगर वो अब करियर करेगी तो फाइनली उसे बच्चों को संभालना पड़ेगा, तो सब चीज़ों का पॉइंट क्या है, तो एक क्वेश्चन वो कर रही थी। माइक कहता है, तुम मेरी तरह घर से जॉब कर सकते हो, दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हो। इनकी इस कन्वर्सेशन के बाद रात में जब माइक और लीसा डिनर कर रहे थे तो लीसा अपने डे के बारे में माइक को बता रही थी। अपने जॉब पर उससे ज़्यादा काम है तो इसके बारे में वो फ्रस्ट्रेटेड थी, पर माइक का इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं था। वो सिर्फ लीसा के बारे में ही सोच रहा था। लीसा उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, पर माइक इस बात को टाल देता है। आज रात माइक ने काम करते हुए खिड़की से देखा कि जेना और स्कॉट के बीच में जोर से लड़ाई चल रही थी। एक जोर से आवाज आई जिसके बाद जेना चुप हो गई। उसे लगा कि स्कॉट ने उसे मारा है। वो इस बात से डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन माइक के पास उसका फ्रेंड ब्रायन आया हुआ था। माइक उसे जेना और स्कॉट के बारे में बताता है। ब्रायन कहता है कि मुझे भी लगता है कि स्कॉट एक बहुत ही घटिया आदमी है, उसने मुझे भी कार सेल करने की कोशिश की थी। यही जब वे बात कर रहे थे तो जेना अपने गार्डन पर काम करने के लिए आती है। ब्रायन उसे देखकर माइक से कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें उसके साथ ट्राई करना चाहिए। माइक एम्बैरस्ड हो गया। वो प्रिटेंड करता है कि वो जेना को उस तरीके से नहीं देखता, पर एक्चुअल में आजकल उसके बारे में बहुत सोचता है। आज रात माइक ने फिर से लीसा से बात की। उसे कहा, क्या तुम्हें हमारा हनीमून याद है? और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होते होते माइक को अपने वाइफ में जेना दिखी। अगले दिन माइक फिर से अपने गार्डन को देख रहा था तभी जेना के पास स्कॉट आया और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। फिर इसे माइक को लगा कि स्कॉट ने जेना को मारा है।
वो आज रात काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। अब कुछ दिनों के लिए माइक का बेटा उसे विजिट करने के लिए आया। माइक के बेटे को भी स्कॉट के पास जो कार है उस वजह से वो बहुत कूल लगता है। अगले दिन जब माइक ग्रोसरी लेने के लिए जा रहा था तो उसने जेना को बाहर देखा। उसे बात करने की कोशिश करता है पर जेना अपने योगा क्लास के लिए जरा लेट हो चुकी थी तो जल्दी से उसे इग्नोर करके चली जाती है। बाहर जाकर वो अपने फ्रेंड ब्रायन से मिला। ब्रायन फिर से जेना को लेकर उसे इनकरेज करता है। माइक ने उसे कहा कि स्कॉट जेना को बहुत मारता है। ब्रायन उसे कहता है कि उनका घर का मामला है, तुम इन दोनों में घुसो मत। माइक जब घर पर आया तो स्कॉट लिसा और माइक के बेटे को स्टोरी सुना रहा था। जाते जाते वो सबको डिनर के लिए इनवाइट करके जाता है पर लिसा जरा बिजी होती है इसलिए मना कर देती है। उनकी जगह पर उनका बेटा एलेक्स जाएगा। माइक ने देखा कि एलेक्स की स्कॉट और जेना के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। वो बहुत बार उनके साथ हैंग आउट करता है, ये माइक को अच्छा नहीं लगता। इसके बारे में उसने लिसा से बात की, कहा कि स्कॉट अच्छा आदमी नहीं, एलेक्स को उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लिसा कहती है कि वो बड़ा हो चुका है, तुम इस तरीके से उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। माइक को जेना से बात करनी थी तो हमेशा उस पर वो नजर रखता था। एक दिन जब वो ट्रैश निकालने के लिए गए तो माइक भी उसके पास आता है। कहता है मैंने तुम दोनों को फाइट करता देखा था। जेना कहती कि इतनी ज्यादा कुछ भी सीरियस बात नहीं है, स्कॉट सिर्फ कभी कभी ज्यादा पी लेता है तो इस वजह से उसका कंट्रोल चला जाता है। जेना ने कहा कि ज्यादा वरी मत करो, सब कुछ ठीक है। स्कॉट फिर से जेना पर घर के अंदर से चिल्लाया कि जल्दी घर में आ जाओ। एक दिन माइक और जेना अपने गार्डन के लिए प्लांट्स लेने के लिए गए। बात करते करते माइक अपनी यंग एज की स्टोरी उसे सुनाता है कि क्या क्या वो स्मोक करता था। जेना कहती कि मैं भी स्मोक करती हूँ पर सिर्फ कभी कभी। ये दोनों फिर जेना के घर पर पॉट स्मोक करने लग गए। अब स्मोक करने के बाद जेना सब कुछ सच सच बताती है। कहती है स्कॉट का हमेशा एंगर का प्रॉब्लम था, पहले कम था पर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वो हमेशा से एग्रेसिव रहा है। वो आजकल डिसाइड नहीं कर पा रही स्कॉट को बच्चे चाहिए और जेना आज तक कन्फ्यूज्ड है। उसे लगता है कि स्कॉट के साथ शादी करना एक गलती थी। माइक कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें बच्चे नहीं होने देने चाहिए। जेना को अच्छा लगा कि माइक उसे समझ सकता है और उसने माइक को गले लगा लिया। ये दोनों फिर किस कर लेते हैं। आज रात जब माइक और लिसा बात कर रहे थे तो लिसा कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं भी योगा लेसन पर जाऊँ, जेना मुझे उसके साथ लेकर जा सकती है। माइक को यह आइडिया अच्छा नहीं लगता कि एक साथ जेना और लिसा ये दोनों योगा क्लास पर जाए। लिसा को ये बात अजीब लगी, वो कहती है कि जेना यंग है, ब्यूटीफुल भी है, क्या तुम उसे लाइक करते हो। माइक ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लिसा ने बहुत ही सिली बात कही, इस तरीके से वो प्रिटेंड करता है। एक दिन माइक ने जेना और स्कॉट की बहुत बड़ी फाइट सुनी। इसमें जेना जोर से चिल्लाती है और कुछ चीजों का टूटने का आवाज भी आया था। माइक जल्दी से वहां पर पहुंच गया, जेना ग्राउंड पर थी। वो अंदर घुसाता है तो स्कॉट उस पर भी गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। माइक ने कहा कि मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी थी। स्कॉट कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम अपने घर जाओ। माइक स्कॉट की सुनता नहीं और जेना से पूछता है क्या तुम ठीक हो। स्कॉट को इस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जेना ने माइक से कहा कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक फ्लावर पॉट नीचे गिर गया था। माइक जा नहीं रहा था तो स्कॉट कहता है तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्या तुम मेरी वाइफ में इंटरेस्टेड हो। जब भी वो स्विमिंग पूल के पास आती है क्या हमेशा तुम उसे देखते रहते हो। माइक ने कहा कि तुम बहुत घटिया आदमी हो और फिर वो वहां से चला गया। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। लिसा घर आने पर उसे पूछती है कि क्या हुआ है। माइक उसे सब कुछ बताता है। लिसा ने कहा क्या तुमने पुलिस को कॉल किया। माइक कहता है कि नहीं। लिसा कहती कि तुम्हें इस तरीके से उनके पास नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें भी कुछ हो सकता था, जो भी चल रहा है उनके बीच है, तुम इस तरीके से बीच में नहीं पड़ सकते। माइक फिर भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था तो लिसा कहती है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आजकल तुम जरा अलग हो गए हो। लिसा ने उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। अगले दिन माइक ने अपना सब सामान लिया। जब वो यहाँ से जा रहा था तो लास्ट टाइम जेना से बात करना चाहता है तो उसके घर पर गया। उसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। जेना कहती कि सब कुछ ठीक है पर अब वो स्कॉट के साथ नहीं रहने वाली। उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे उसने बात की, उसके खाली घर में वो रहने वाली है। माइक ने जेना से कहा कि मैं भी घर छोड़कर जा रहा हूँ। जेना को लगता है कि शायद उसकी वजह से हुआ पर माइक कहता है वैसे भी हम दोनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे। माइक जेना से कहता है कि मैं एक अच्छे से अपार्टमेंट को रेंट वगैरह करूंगा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकती हो। जेना को ये प्लान अच्छा नहीं लगता। उसने जब माइक को किस किया था तब वो सिर्फ हाय थी, उसे माइक के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। माइक भी फिर यहाँ से चला गया।
माइक अपने बेटे को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझमें और तुम्हारी मदर में सिर्फ थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, मैं थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर रहूंगा। पर उसके बेटे ने उसे कहा कि मदर ने तो कहा था कि तुम दोनों का अब डिवोर्स होगा। एक दिन माइक से मिलने के लिए उसका फ्रेंड ब्रायन आया हुआ था। उसने माइक से पूछा, क्या तुम्हारे और जेना के बीच में कुछ हुआ था? माइक कहता है कि वो कभी भी वर्क नहीं करता और वैसे भी वो अलग सिटी में जा चुकी है। ब्रायन ने कहा कि मैंने अभी अभी तो उसे सिग्नल पर देखा, वो अभी भी स्क्वाड के साथ ही है। जब माइक इसके बारे में सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगा। वो अगले दिन अपना कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ है, इसका बहाना कर फिर से जेना को देखने के लिए आया। माइक ने जेना से बात की, उसे पूछा कि तुम गई नहीं? जेना कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब वो इस बच्चे को चाहती थी। उसने कहा कि आजकल मैं और स्क्वाड कपल की काउंसलिंग पर भी जा रहे हैं, हमें जो भी प्रॉब्लम्स है हम इन्हें सॉल्व करेंगे। माइक कहता है कि अच्छा है। आज माइक को अपनी गलती रियलाइज हुई। वो लिसा को फिर से मनाने की कोशिश करता है, उसके लिए डिनर बनाना चाहता था पर लिसा उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। रात में जेना जरा अपसेट थी तो बाहर आकर स्मोकिंग करने लग गई। माइक ये देखता है और उसे कहता है कि बेबी के लिए अच्छा नहीं है। घर में से स्क्वाड ने भी देखा, वो जेना के पास आया, उस पर चिल्लाने लग गया। माइक उस पर गुस्सा हो जाता है, कहता है उसे इस तरीके से ट्रीट मत करो। वो जेना को घसीटते घसीटते घर में अंदर लेकर जा रहा था। माइक ने स्क्वाड को मारने की कोशिश की पर स्क्वाड ही माइक को जोर से पंच मार देता है। वो जेना को घर में लेकर गया। माइक भी फिर से उठकर स्क्वाड को रोकने की कोशिश करता है। स्क्वाड माइक को मारते मारते घर से बाहर निकल रहा था तभी माइक के हाथ में गोल की बैट आ गई। वो जोर से स्क्वाड के सर पे मारता है, उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लग गया। जेना उल्टा माइक पर ही गुस्सा हो गई, वो कहती है तुमने ये क्या किया? उसने माइक को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहा। वो जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल लगाती है पर स्क्वाड की अब डेथ हो चुकी थी। यही पर ही मूवी एंड हो जाती है। अगर हम देखें तो जेना और माइक ये दोनों फॉल्टी कैरेक्टर्स थे। स्क्वाड जेना को बहुत मारता था पर फिर भी उसी के साथ रहना चाहती थी। वो बहुत ही कंफ्यूज थी कि उसे करना क्या चाहिए। माइक भी अपने मैरिज से खुश नहीं था, वो जेना में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो गया। ये इंटरेस्ट ऑब्सेशन में बदल चुका था। वो हस्बैंड वाइफ के फाइट में आ गया, फाइनली उसके हाथ से मर्डर हो जाता है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।